देश की जानी मानी लेजेंडरी सिंगर रही लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। 28 दिनों से लता मंगेशकर मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी। सबसे पहले लता मंगेशकर को कोरोना हुआ था और उसके बाद लता मंगेशकर निमोनिया से ग्रस्त हो गई थी। लता मंगेशकर को पहले वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन ठीक 8 दिन बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। तब उनके फैंस को लगा था कि वो जल्द ही रिकवर कर जाएंगी। बीती रात लता मंगेशकर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद मेडिकल बुलेटिन जारी करके कहा गया था कि वो रिकवर कर रही हैं। हालांकि किसी को ये नहीं पता था कि लता मंगेशकर अचानक से यूं दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। लता मंगेशकर के जाने से जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, वहीं बॉलीवुड जगत के बड़े बड़े सितारे उन्हें लेकर गमगीन नजर आ रहे हैं। संगीत जगत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर के निधन से आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटी तक सभी को गहरा धक्का लगा है। पिछले एक लंबे अरसे से लता मंगेशकर के लिए लगातार दुआओं का जोर जारी था, और वहीं आपको बता दें 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।